लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस वालों एससी एसटी बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मसला चुकया गया, जिन्होंने मामले दे विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का अस्तीफा मंगया है। बैंस ने साफ किया है कि जेकर मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पास वाल कोई कदम ना चुकया तो मुख्यमंत्री मोती महल का घिराओ किया जाएगा। दूसरा है साढ़ा 7 तरीक मोती महल घेरन का प्रोग्राम, वो इस करके क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े वेलफेयर मिनिस्टर आ उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी उहदे विच बहुत करोड़ी घपला किया। हुण घपले नूं उजागर असी नहीं किया, कई बार हुंदा कि अपोजिशन पार्टियां दे लीडर एमपी एमएलए उजागर करते आ, वह हुंदे आ दोष, फिर उहदे ते जांच बिठाई जाती है। किसी अपोजिशन लीडर ने उजागर नहीं किया, यह मसला उजागर करती एक रिपोर्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर, मैं सलाम करता हूँ ईमानदारी से दलेरी नूं, अडिशनल चीफ सैकटरी लैवल का उस अफसर तो बाद पंजाब दे विच सिर्फ एक सीनियर अफसर चीफ सैकटरी बचता, उन्हें अपनी सैकड़े पेज की रिपोर्ट दी जिदे विच उन्हें सबूतों प्रूफों समेत यह अपना निचोड़ कढ़िया भी सैकड़े करोड़ का कपड़ा बहुत करोड़ी स्कैम साधु सिंह धर्मसोत कर गए, विद्यार्थी जिहड़े दलित समाज दे उहनां दा भविख धुंधला कर। असीं विधानसभा दे अंदर धरना लाया, दोनों एमएलए लोक इंसाफ पार्टी ने मंग कीती वी डिसमिस करो मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत जी नूं एंड सीबीआई दी जांच, नहीं मन्नी गई मंग। फिर कल मनविंदर ग्यासपुरा जी, जरनैल लंगल जी, लोक इंसाफ पार्टी दे एससी विंग, उन्होंने साधु सिंह धर्मसोत की कोठी दे बाहर प्रोटेस्ट किया नंगे धड़, अपने कपड़े ला दे भी हुण साडे कोल दो कुर्ता पजामे बचे है भी ला लो, साडे नहीं मन्ने। अज असी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के उत्ते सारे जिलों के अंदर लोक इंसाफ पार्टी के मैंबर अहदेदार ने मैमोरेंडम मुख्यमंत्री के नाम एंड उत्ते असी एक वार्निंग दी है भी जे तुसीं ना डिसमिस किया ना सीबीआई नूं जांच दित्ती, 7 तरीक नूं असी मोती महल घेरांगे।